हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमन एनालिसिस में। तो आज है मिशन एनडीए 1 2020, एनडीए गेट प्रिपरेशन का डे 6। तो चलिए आज देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमको पढ़ने चाहिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में। आज का स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज के जो 3 क्वेश्चन है ना वो रिलेटेड है डिफेंस से, तो वो देखते हैं हम लोग। और ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और उम्मीद है कि इस एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। मैं इसमें ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके टिप्स में होने चाहिए, अपने दिमाग में होने चाहिए। द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, इसका आंसर बताता हूँ मैं। तो इसका आंसर है SHFJ मैनेकशॉ। आपने फील्ड मार्शल मैनेकशॉ भी पढ़ा है ना, आपने इंग्लिश बुक में देखो पढ़ा होगा, अपने NCERT इंग्लिश में 9th या फिर 8th या फिर 9th में क्लास में पढ़ा होगा। तो ये फील्ड मार्शल मैनेकशॉ ये हमारे फर्स्ट फील्ड मार्शल थे। तो चलिए बात करते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर, द फर्स्ट इंडियन एयर चीफ मार्शल। अब याद रखना क्या बोला मैंने, द फर्स्ट इंडियन एयर चीफ मार्शल, जो वर्ड्स है ना उस पर ध्यान दिया करो, इंडियन। तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। इसका आंसर है सुब्रतो मुखर्जी। तो आपको पता चला कि जो एयरफोर्स है उनकी जो सबसे बड़ी रैंक होती है वो इंडियन एयर चीफ मार्शल, सबसे बड़ी रैंक होती है जो। ठीक है, तो अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, द फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ, यानी फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ, जो नेवी के सबसे बड़े चीफ थे उनका क्या नाम था फर्स्ट। तो उनका नाम था एडमिरल RD कटारिया। तो यहाँ से देखो, एडमिरल एडमिरल नेवी की सबसे बड़ी रैंक होती है, जैसे आर्मी की जनरल होती है, एयरफोर्स की एयर चीफ मार्शल, और अब यहाँ पर नेवी की होगी एडमिरल। तो एडमिरल RD कटारिया। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड। ये एग्जाम पता नहीं कितने सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड। तो इसका आंसर है अभिनव बिंद्रा। कब जीता था ये भी पता होना चाहिए आपको, 2008 यानी 2008 ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स। ओलंपिक्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं विंटर ओलंपिक्स, एक होते हैं समर ओलंपिक्स। तो ये समर ओलंपिक्स में 2008 में गोल्ड मेडल जीते थे, किसमें, शूटिंग में, एक शूटिंग प्रतियोगिता होती ना ओलंपिक्स में, तो उनमें इन्होंने जीता था अपना फर्स्ट गोल्ड मेडल, और इंडिया की तरफ से इंडिविजुअल बने जो गोल्ड मेडल जीते हों ओलंपिक्स में। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द ओल्डेस्ट वेदा। ऑप्शन नंबर A समवेद, ऑप्शन नंबर B यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर C अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर D ऋग्वेद। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D ऋग्वेद। आपको पता है हमारे 4 वेदास होते हैं और वही चारों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि हर हर वेदों का मतलब क्या होता है, ये भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए क्योंकि ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इसका आंसर है, और ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ओल्डेस्ट वेदा मतलब सबसे पुराना वेदा कौन सा है, तो उसका आंसर है ऋग्वेद। तो उम्मीद करता हूँ 5 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। मैं मॉक टेस्ट भी लेकर आऊँगा, मोर देन मतलब 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा, बहुत जल्दी आने वाला है, उसका भी इंतज़ार रखना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक करके मेरा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाना। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।